गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19th of August द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम पूरे एडिटोरियल का, दैट मीन्स आपके आर्टिकल का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। एंड द फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम वोकैबुलरी वर्ड्स। एंड द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड दैट यू हैव गिवन इज cult, and students, the mean of cult is mat, I can say opinion, your what, you can say a religious veneration, or you can use this word in the sense of fashion or trend, okay? आप इन तीनों ही senses में इस word cult को use कर सकते हो। Let's come to the meaning, person or thing that is popular, वो चीज़ या वो इंसान जो popular हो, fashionable हो, among a particular group or society, ओके? जो किसी सोसाइटी के सेक्शन में, पर्टिकुलर ग्रुप में क्या हो, ट्रेंड में हो, या फिर कोई चीज़ बहुत फैशन में हो, या फिर किसी के मत की हम बात करें, किसी के ओपिनियन की हम बात करें, ओके? सो इन सभी चीज़ों के लिए आप किसको यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, कल्ट को। इन टुडेज आर्टिकल वी हैव गिवन कल्ट इन द सेंस ऑफ कल्ट पर्सनैलिटी विच इज़ यूज फॉर अ पॉलिटिशियन और अ गुड लीडर, ओके? जब कोई लीडर जो है अपनी इमेज को या रेपुटेशन को, रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, इमेज बनाने के लिए वो क्या करता है, वोट्स को कलेक्ट करना, या उसका जो बिहेवियर होता है, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज कल्ट पर्सनैलिटी, राइट? नाउ कम टू सिनेनिम्स स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव गिवन लॉट्स ऑफ सिनेनिम्स फॉर कल्ट, यू कैन सी ट्रेंड, फैशन, वॉग, फैड, एन ओपिनियन पॉल, ओके? हियर वॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? सेम एज वी हैव अ वर्ड दैट्स वेग, एंड द मीनिंग ऑफ वेग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉग। वेग मीन्स समथिंग अनक्लियर विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड इज नॉन एज वेग, ओके? आई थिंक यू हैव हर्ड दिस वर्ड एम्बिगियस, ओके? एम्बिगियस इज अ वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम वॉग, ओके? दीज टू आर डिफरेंट वर्ड्स, क्लियर? This is different word. Okay. Next come to example students. They enjoy a cult following in the UK. That means UK में जो cult, UK में जो trend follow किया जा रहा है, UK में जो trend है, उन्होंने वो उसे enjoy करते हैं, right? या उन्होंने उसे enjoy किया. If you are using here enjoyed, so you can say उन्होंने उसे enjoy किया, या फिर वो उसे enjoy करते हैं, right? Next one you have given erupted. And students, the mean of erupted is to burst something, okay? Or you can say विस्फोट होना, फटना. ओके, वी यूज दिस वर्ड फॉर वोल्केनो इरप्शन. वोल्केनो इरप्शन दैट मीन्स जब वोल्केनो, ज्वालामुखी फटता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड वोल्केनो इरप्शन. ज्वालामुखी के फटने को ही हम वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं, ओके? इट्स बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा. जब ये एक्टिव होता है तो लावा इजेक्ट होता है, ऐश निकलती है, गैसेज निकलती हैं, एज वेल एज यू कैन यूज़ ब्लो अप फ्रेजल वर्ब इन द सेंस ऑफ इरप्शन, ओके? ब्लो अप का मतलब भी क्या होता है, इरप्शन, राइट? नेक्स्ट कम टू सिनेनिम स्टूडेंट्स. रप्चर हमने कल परसों लास्ट वोकैब्स में ही डिस्कस किया था. फल्मिनेट, फ्यूम्स का बाहर निकलना इज फल्मिनेट. ब्रेकआउट, सडनली एकदम से कोई चीज जब फट के बाहर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्रेकआउट सडनली, ओके? नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. अ फियर्स फाइटिंग, अ फियर्स फाइटिंग, फियर्स का मतलब होता है भयानक. फाइटिंग इरप्टेड बिटवीन द आर्मी एंड गोरिलास, ओके? आर्मी और गोरिलास के बीच में एकदम से फाइट अराइज हो गई, एकदम से लड़ाई छिड़ गई, ओके? तो एकदम से छिड़ी ना, तो सडन ब्रेकआउट के लिए आप यूज कर सकते हो इरप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट वर्ड यू हैव गिवन इज रिसर्जेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वर्ड मेनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस वोकैबुलरी. सो स्टूडेंट्स, रिसर्जेंट मीन्स होता है पुनरुत्थान करना या पुनरुत्थानशील, ओके? दैट मीन्स कोई चीज जो दोबारा से, जिसका रिवाइवल हुआ है, ओके? कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर कोई चीज़ रिवाइव हो रही है, दैट मीन्स वो दोबारा से बन रही है, या उसे दोबारा से सुधारा जा रहा है, तो सुधारना भी आप बोल सकते हो, ओके? एंड द इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर रिसर्जेंट इज रेजुविनेट. रीजनरेट इज वेरी सिंपल वर्ड, यू कैन से रिसरेक्शन, ओके? रिसरेक्शन का मतलब भी क्या होता है, रेजुविनेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से लाइवली कर देना, किसी चीज़ में दोबारा से जान डाल देना, ओके? लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. द पब्लिशर बिलीव्ड दैट Vampire novels would be a resurgent trend this year, okay? पब्लिशर को क्या लगा कि वेम्पायर नॉवेल्स का जो ट्रेंड है वो दोबारा से इस साल आने वाला है, वो दोबारा से इस साल आता,
उसे उसे ऐसा लगा किसको, पब्लिशर को. ओके लेट्स मूव टू इन्फ्यूरिएट स्टूडेंट्स. इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्से वाली जो स्टेट होती है, दैट्स कोल्ड इन्फ्यूरिएट. ओके इन्फ्यूरिएट हम तब बोलते हैं जब कोई बहुत ही इल टेम्पर्ड जो होता है. ओके तो इल टेम्पर्डनेस को हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फ्यूरिएट. मतलब समझ में आ गया, दैट मीन्स मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री. ओके और इम्पेशेंट यू कैन से, और इम्पेशेंट. ओके किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना क्या होगा, इन्फ्यूरिएट. कहते ना डोंट ट्राई टू इन्फ्यूरिएट मी अदरवाइज आई स्पॉइल एवरीथिंग. ओके मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं सब स्पॉइल कर दूंगा. राइट लेट्स मूव टू सिनोनिम स्टूडेंट्स. एंड रेज एग्जस्परेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स. दीज टू थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर यू हैव गिवन अ फ्रेजल वर्ब दैट इज पिस्ड ऑफ. ओके कहते ना आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ दिस पर्सन, दैट मीन्स मैं उससे बहुत ही गुस्सा, मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आता जा रहा है. ओके तो पिस्ड ऑफ हम उसके लिए यूज करेंगे. एग्रेवेट आपको पता है किसी सिचुएशन में किसी बुरी सिचुएशन को बढ़ा देना, गुस्सा दिला देना. एग्जस्परेट भी आपको पता है. एनरेज इज सेम. ओके इफ यू हैव गिवन अ वर्ड रेज और एनरेज, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है स्टूडेंट्स. रेज इज नाउन एंड एनरेज इज वर्ब. राइट लेट्स कम टू एग्जाम्पल. आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाई योर आर्टिकल. जस्ट इमेजिन समबडी हैज़ रिटन सम एनी आर्टिकल एंड वेन यू रेड दैट आर्टिकल यू वर फीलिंग इन्फ्यूरिएटेड. दैट मीन्स आपको उस आर्टिकल को पढ़ के बहुत गुस्सा आया. तो एट दैट टाइम यू कैन से आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाई योर आर्टिकल. दैट मीन्स बाई रीडिंग योर आर्टिकल्स एज वेल एज यू कैन से. नेक्स्ट कम टू ऑस्टेंसिबली. ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्टूडेंट्स समथिंग इन अ प्रटेंडिंग वे. ओके something which appears to be true, we don't know it is true or untrue, but it's appear to be true. Okay, जो बिल्कुल सच के जैसा लगता है. okay, उसे क्या कहते हैं, जिसे प्रकट किया जाता है बिल्कुल. right, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो. clear है, that's called though not necessarily so. right, let's come to synonyms students. synonyms क्या होंगे, seemingly. okay, वैसा ही लगना, apparently, clearly, allegedly, supposedly, purportedly. okay purportedly is very important word. allegedly is very common which is asked during your examination or your comprehensive part. okay apparently ka matlab bhi kya hota hai, clearly. right dhyan rakhiyega students. next come to example. the party secretary resigned. party secretary ne kya kiya, resign kiya ostensibly from ill health, kharab health hone ki wajah se. okay ab kharab health aisa lag raha hai ki uski health kharab hai, we don't know actually he was ill or not. okay that means pretending bhi aap bol sakte ho, that means pretending, pretend karna bolte hai na, pretend, pretending bhi aap bol sakte ho. नेक्स्ट कम टू स्टूडेंट्स इम्प्यून्ड. इम्प्यून्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, बहस करना, वाद विवाद करना. राइट दैट मीन्स किसी चीज़ को लेके, किसी सच को लेके हम आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है. उसकी वैलिडिटी को लेकर हम आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं. ओके क्या सही, ऑनेस्ट स्टेटमेंट क्या है, उसका मोटिव क्या, उसको लेकर जब वाद विवाद होते हैं तो दैट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स इज नॉन एज इम्प्यून्ड. ओके तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स. कॉल इन टू क्वेश्चन, यू कैन से कॉल इन टू क्वेश्चन एज वेल. ओके लेट्स मूव टू सिनोनिम्स. यू कैन से इम्पीज, टेक इशू विद. ओके दीज आर द सिनोनिम्स फॉर इम्प्यून्ड एज वेल एज यू कैन से डिस्प्यूट. ओके इट्स वेरी सिंपल टू लर्न. नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल. ही इम्प्यून्ड हिज राइवल्स कैरेक्टर. दैट मीन्स वो किस पे झगड़ा, उसके राइवलरी, जो उसके राइवल वाला जो उसका कैरेक्टर था उस पे उसे गुस्सा आया, उस पे वो झगड़ा. दैट मीन्स उस पे उसका डिस्प्यूट हुआ. ओके नेक्स्ट कम टू डेफर. इट्स अगेन एन इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स. डेफर मीन्स टू डिले समथिंग. ओके डेफर का मतलब होता है डिले करना. एंड द सिंपल एंड मोस्ट कॉमन वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट. ओके प्रोक्रेस्टिनेट करना, समझ गए हैं, दैट मीन्स स्थगित करना. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. ओके टू डिसाइड टू डू समथिंग लेटर ऑन. कोई भी काम लेटर ऑन करने का डिसाइड करना कि हम इस काम को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. तो ये जो कल और परसों वाली चीजें होते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डेफर योर टास्क. ओके कि आप टास्क को क्या करते जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डेफर करने जा रहे हैं. ओके यूजुअली ही डेफर्स हिज टास्क. वो हमेशा अपने टास्क को यूजुअली क्या करता है, डेफर करता है, टाल देता है. ओके लेट्स कम टू सिनोनिम स्टूडेंट्स. व्हाट वुड बी द सिनोनिम फॉर डेफर. हियर यू हैव गिवन अवर्ट. अवर्ट अगेन इंपॉर्टेंट है. अवॉइड, कास्ट असाइड, साइड में रख देना. स्टेव ऑफ, अगेन आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट्स. डेफर आ चुका है, छोड़ दीजिएगा. एंड पोस्टपोन करना, इट्स वेरी कॉमन वर्ड.
कास्ट असाइड इज इम्पोर्टेंट राइट, स्टे ऑफ इज इम्पोर्टेंट एंड यू कैन से अवर्ट इज इम्पोर्टेंट राइट। द डिसीजन वॉज डेफर्ड फॉर अ टाइम, जो डिसीजन था वो डिसीजन डेफर कर दिया गया कुछ समय के लिए, दैट मीन्स कुछ समय के लिए उसे टाल दिया गया, कुछ समय के लिए उस डिसीजन को स्थगित कर दिया राइट। नेक्स्ट वर्ड यू हैव गिवन इज डी मार्केट। डी मार्केट मीन्स सीमा स्थित करना, दैट मीन्स टू सेट द बाउंड्रीज, टू सेट द लिमिट्स, ओके, लिमिट सेट करना या फिर बाउंड्रीज सेट करना। क्लियर? किसी चीज़ कहते हैं ना, किसी चीज़ की लिमिट सेट कर देना कि यस ये इसी इसी एरिया में हो सकती है, इतने में ही ये होगा, ओके। तो आप सिनेनिम्स में जाएंगे तो बाउंड्री बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश डिफरेंट के लिए भी, सेपरेट करने के लिए भी डीमार्केट को यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स याद रखना, ओके। लेट्स कम टू एग्जाम्पल, प्लॉट्स ऑफ लैंड डीमार्केटेड बाय बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइक यू कैन से कांटेदार, ओके, कांटेदार तार। बार्ब्ड वायर का मतलब समझ में आया यहाँ पे, दैट मीन्स जो बाउंड्री थी, लाइक ये आपका फील्ड है, आपका खेत है, ये जिसमें आप क्रॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा है ना जब क्रॉपिंग होती है, जब फसल उगी हुई होती है, तो आपने गांव में अगर देखा हो तो यहाँ पे बार्ब्ड वायर से फेंसिंग की हुई होती है, लाइक वो जो फेंसिंग है वो बार्ब्ड वायर से फेंसिंग की हुई होती है, तो ये बार्ब्ड वायर से ये बाउंड्री बना देना इज डीमार्केट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्ट्रिक्चर्स, ओके। स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है बाध्यता, ओके। बाध्यता का मतलब समझ में आया आपको, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्ट करके उस पर कहते हैं ना, इट्स समवेयर, इट्स लाइक डी मार्केट, ओके। स्ट्रिक्चर्स का मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, ओके। अब रेस्ट्रिक्शंस एक एक्टिविटी पे भी लग सकती हैं, चीज़ों पे भी लग सकती हैं, पर्सन पे भी लग सकती है, सो रेस्ट्रिक्शन इज नॉन एज स्ट्रिक्चर्स राइट। लेट्स कम टू सिनेनिम्स, समानार्थी शब्द, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेन, ओके, लिमिट, ओके, दीज आर द सिनेनिम्स फॉर स्ट्रिक्चर्स। लाइक नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट दिस वर्ड, द मिलिट्री वॉज कॉल्ड इन टू हेल्प एनफोर्स द कर्फ्यू स्ट्रिक्चर ऑर्डर्ड बाय द गवर्नर। दैट मीन्स गवर्नर ने जो ऑर्डर दिए थे कर्फ्यू के, मतलब कि कर्फ्यू लगाने के, रेस्ट्रिक्ट करने के कर्फ्यू से, तो उस चीज़ को एनफोर्स करने के लिए किसको बुलाया गया, मिलिट्री को बुलाया गया, ताकि उसको एनफोर्स करने में, उसे लागू करने में मिलिट्री क्या करे, हेल्प करे। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वी हैव गिवन सम फ्रेजल वर्ब्स स्टूडेंट्स। हियर वी हैव गिवन द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज एडिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन। स्टूडेंट्स जो हमारा आज का आर्टिकल है उसका हेडिंग ही इससे स्टार्ट होता है, एडिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन, ओके। दैट मीन्स टू बी स्पेशली केयरफुल रेदर देन टेकिंग अ रिस्क और मेकिंग अ मिस्टेक्स, ओके। मतलब कि मिस्टेक्स करने की बजाय या रिस्क लेने की बजाय किसी सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना इज वॉट, एडिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन। सो यू कैन से इट इज़ बेटर फॉर अ डॉक्टर टू एड ऑन द साइड ऑफ कॉशन एंड फॉलो द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव व्यू ऑफ द लॉ। अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स की उसने बहुत ही केयरफुली उस चीज़ को टैकल किया, उस चीज़ को फॉलो किया, एंड किसके अंडर, जो लॉ की जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट कम टू ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब वैसे ही क्लियर हो गया है इस वर्ड से स्टूडेंट्स, ट्रबल्ड वाटर का मतलब समझ में आया, ट्रबल, ट्रबल का मतलब मुश्किल, ओके, बहुत ही दुविधा में होना, और वाटर्स का मतलब अगर आपको हॉट वाटर की बात की जाए, कहते हैं ना गेट इन टू हॉट वाटर, ओके, तो उसका मतलब भी क्या होता है, मुसीबत में होना, दैट मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अ डिफिकल्ट टाइम, ओके।